Hello everyone, let's start chapter 12, Conquering Distance. Go to railway station and you will see thousands of people with bag, suitcase, briefcase rushing in or out of the railway station. Go to bus stand and you see people waiting for a bus. You will find a similar condition at an airport and a port. अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आप देखते हो बहुत सारे लोग, इवन मोर देन 1000 लोग बैग, सूटकेस, ब्रीफकेस सबके साथ बाहर निकल रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं रेलवे स्टेशन के. बस स्टैंड पे जाके देखो बहुत सारे लोग अपने लगेज लेकर के वहाँ बस का वेट कर रहे होते हैं. सेम कंडीशन एयरपोर्ट और पोर्ट पे भी होता है. वेयर आर दीज पीपल गोइंग, ये लोग कहाँ जा रहे हैं. पीपल आर ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर डिफरेंट रीज़न. लोग यहाँ से दूसरी जगह पे, किसी भी जगह पे अलग अलग रीजन से जाते हैं. मैनी पीपल विजिट देयर फैमिली मेम्बर टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, छठ, गुरु पर्व एट्सेट्रा. बहुत सारे लोग फेस्टिवल के लिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जाते हैं, लाइक छठ पूजा, दिवाली, गुरु पर्व. सम पीपल मूव और माइग्रेट टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ फॉर बेटर जॉब, एजुकेशन एंड बिजनेस. और कुछ लोग दूसरे कंट्रीज़ मूव करते हैं अच्छे जॉब के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए या फिर बिजनेस के लिए. दे ट्रैवल टू मीट द मेम्बर ऑफ देयर फैमिली और टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन. वो लोग अपने फैमिली के घर जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं. दीज डेज थाउजेंड ऑफ पीपल ट्रैवल विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड टू विजिट द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल एट्सेट्रा. बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए दूसरी कंट्री या अपनी कंट्री में, लाइक ताजमहल देखने गए, रेड फोर्ट या हवा महल देखने गए. सी कोस्ट आर फेवरेट प्लेस फॉर पीपल हु लव स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स. जो बीच वाला एरिया होता है लाइक समुद्र के किनारे, ये सारे लोगों का फेवरेट जगह होता है जिनको स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स पसंद होता है. नाउ पीपल कैन ट्रैवल एनी वेयर एंड इन एनी वे दे वॉन्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइम मनी दैट दे वॉन्ट टू स्पेंड. लोग अब कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, डिपेंड करता है उनके पास कितने पैसे हैं और कितना टाइम है. इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. लोग कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो उन लोगों को टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, तब ना घूमने जाएंगे. दे कैन ट्रैवल बाय बस, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन, शिप, बोट एट्सेट्रा. वो लोग बस से, कार से, ट्रेन से, मेट्रो से या फिर एरोप्लेन, शिप, बोट से ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस. इन एशियन टाइम मैन हैड टू वॉक ऑन ए फुट. पहले के टाइम में लोगों के पास बस, गाड़ी ये सब नहीं होते थे, व्हीकल्स, तो लोग फुट पे ट्रैवल करते, वॉक करके कहीं भी जाते थे. ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे खाने की तलाश में या फिर शेल्टर की तलाश में, रहने के लिए घर की तलाश में जाना पड़ता था. इफ़ ही हैड टू क्रॉस ए वाटर बॉडी ही यूज ए कैनो और ए रीड बोट. उन लोग को अगर किसी वाटर बॉडी को क्रॉस करना होता था इस टाइप के कैनो और बोट्स यूज़ करते थे. He had to carry his good either on his head or on his back. अगर उनको सामान लेके जाना होता तो या तो अपने सर पे रख के जाते थे या तो पीठ पे रख के लेके जाते थे. He could not travel very far. और वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते थे. The invention of wheel changed the life of early man. He made a cart and loaded heavy goods on it. He also trained horse and donkey to pull the cart. And transportation of a people and goods become easier. फिर धीरे धीरे invention हुआ wheel का, जिन्होंने early man का life change कर दिया. वो फिर heavy goods जो भारी सामान होते थे वो उस पर लेके जाते थे. और उन्होंने animals को भी train किया, like horse, donkey को भी train किया कि वो heavy जो सामान होते उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर travel कर सके. और the transportation जो था लोगों का वो फिर easy हो गया. The progress in the means of ट्रांसपोर्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील. जो इन्वेंशन हुआ व्हील का उसके बाद लोगों का प्रोग्रेस हुआ, लोग ट्रैवल करना और स्टार्ट किए, ट्रांसपोर्टेशन जो था ट्रांसपोर्ट उस पर प्रोग्रेस हुआ. यू कैन सी व्हील एवरीवेयर, रिक्शाज, बाइसाइकल्स, स्केट्स, कार, ट्रेन, प्लेन, मशीनरी, फैक्ट्री, फार्म इक्विपमेंट्स. आप व्हील को हर जगह देख सकते हो, चाहे वो मशीनरीज में हो या साइकिल हो या रिक्शा हो या कोई इक्विपमेंट्स में देख सकते हो. द व्हील हैव चेंज फ्रॉम ए राउंड ब्लॉक ऑफ गुड टू रबर ट्यूब्स. और जो एक राउंड ब्लॉक से लेकर के रबर ट्यूब में व्हील चेंज हुआ विथ
विथ एयर फिल्ड ट्यूब, जिसमें की ट्यूब लगा रहता था और उसमें हवा भरा रहता था रहता है। मैनी टायर्स आर ट्यूबलेस, बहुत सारे टायर्स जो है वो ट्यूबलेस होते हैं। कैन यू इमेजिन ए लाइफ विदाउट व्हील टूडे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो बिना व्हील के लाइफ? पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट्स डिस्कस, डू यू नो द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वे ऑफ मैन एट एंड लिव्ड, द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि इन्वेंशन ने फायर का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने लोगों का खाने का तरीका और रहने का तरीका चेंज किया। सेम वैसे इन्वेंशन जैसे व्हील का हुआ तो उन्होंने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ईजी कर दिया, रास्ता ईजी हो गया। द ओल्डेस्ट व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया मॉडर्न इराक पार्ट ऑफ ए सरिया टर्की ईरान एंड इज बिलीव टू बी ओवर 5500 ईयर्स ओल्ड। बहुत पुराना जो व्हील था वो मेसोपोटामिया में मिला जो कि 5500 ईयर्स ओल्ड था। दिस पिक्चर बिलो शोन डिफरेंट स्टेज ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ व्हील, ये जो पिक्चर्स है आपको डिफरेंट स्टेज शो करता है कि व्हील कैसे डेवलप हुआ। सी नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।